नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिनभर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वन धन योजना की। प्रधानमंत्री वन धन योजना को लेकर होटल बीएनआर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर झारखंड में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाने का संकल्प है और तसर उत्पादन के लिए जो भी सहयोग केंद्र के द्वारा चाहिए वो झारखंड को दिया जाएगा। बंधन योजना के माध्यम से एक विरहत कार्य योजना इस मंत्रालय का बन रहा है और इसी कड़ी में झारखंड के अंदर जो तसर उत्पादन क्षेत्र है, तसर उत्पादन के साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन और उस वैल्यू एडिशन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास, इन सारे विषयों को समाहित करते हुए एक बृहद कार्य योजना बनाई गई है। विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री आगामी दिनों में इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय लोकार्पण करेंगे, पर हम ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड लेवल में वर्क कर रहे हैं। सतही स्तर पर कार्य और कार्यों को देख करके लोगों को जोड़ने का प्रयत्न और उस प्रयत्न के माध्यम से अच्छा परिणाम आए, इस दृष्टि से ट्राइफेड के जो आज हमारे यहाँ पर उपस्थित है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक प्रवीण कृष्णा जी यहाँ झारखंड में आए हैं। और आज जैसे आपको पता है कि जो हमारा एक आर्टिजन्स मीट था, जिसमें कई पार्टनर्सों को लेकर के, यानी उद्यमिता विकास के दृष्टि से कई संस्थाओं को जोड़ते हुए, कई स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ते हुए, कई स्वयं सहायता समूहों को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था कि उसके माध्यम से हम आर्टिजन्स की बातों को समझें, हमारे जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं वो स्वयं सेवी संगठनों के लोग हैं वो, और ऐसे संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक है, वैसे लोगों का विचार विमर्श के माध्यम से हम सही तरीके से चीज़ों को समझ पाए और दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाए, जो सपना है इस देश के प्रधानमंत्री का उसे हम सफल बनाएं। आप सभी जानते हैं कि देश में जो एक बड़ा क्षेत्र है जनजातीय समुदायों का, जहाँ जनजातीय समुदाय भारी मात्रा में रहते हैं और विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया जाए, ये हमारे कार्य योजना में है। अब बात राजद लोकतांत्रिक की। विधानसभा चुनाव नजदीक है और वैसे में हर पार्टी के नेता अपने को सुरक्षित करने के लिए दल बदल की नीति अपना रहे हैं। राजद लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने विधानसभा सभागार में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि राजद लोकतांत्रिक में भी लोग बढ़ चढ़ कर जुड़ रहे हैं और सदस्यता ले रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड नव निर्माण दल के विजय सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजद लोकतांत्रिक का दामन थामा। पार्टी में देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक में 5 जिलों में सक्रिय झारखंड नव निर्माण दल श्री विजय सिंह जी, जो इसके राज्य के कन्वीनर हैं, उनकी अध्यक्षता में सैकड़ों साथियों के साथ उन्होंने विलय हमारी पार्टी में किया है। हम उनका स्वागत करते हैं। हमने नारा दिया है डेवलपमेंट विद आनंद। हमने नारा दिया कि हमारा हस्तक्षेप होगा तो हम महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारा नारा है कि CNT SPT एक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। हमने कहा है कि जन जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। हमने कहा है कि विस्थापन पुनर्वास और विधिक आयोग बनाएंगे। यानी झारखंड की जो वास्तविक समस्याएं हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, खेतों में पानी पहुँचाने का, पेयजल के बारे में हम नीति बनाएंगे। आज पेयजल सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है। 222 MOU है, वो जल जहाँ लेंगे
हम पहले पीने का पानी का बंदोबस्त करेंगे तभी उनको जल लेने देंगे। आज पानी सबसे महंगी चीज़ हो गई है, 150 रुपया बोतल पानी असली मिनरल वाटर है और 40 रुपया लीटर दूध है, 15 रुपया लीटर पानी है, जबकि पानी ईश्वर के द्वारा अल्लाह के द्वारा दिया हुआ एक निःशुल्क चीज़ है। हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, हम झारखंड में इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, झारखंड की उपजाऊ मिट्टी बने उसको बढ़ने नहीं देंगे। इन सारे विषयों पर हमने लोगों से बातचीत की है। आज हमारा दल नवनिर्माण दल और राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक एक हो गया है। हम अपने साथियों को जो नवनिर्माण दल से आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब बात जेएमएम की महाराष्ट्र और हरियाणा में आ रहे चुनाव परिणाम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दोनों राज्यों की जनता ने भाजपा के निरंकुशता पर विराम लगाने का कार्य किया है, झारखंड में भी जनता भाजपा को तड़ीपार करेगी। हम लोग शुरू से इस बात की हिमायती रहे और प्रयासरत रहे कि यहाँ पर एनडीए के खिलाफ जो भी जनसंगठन झारखंड के बुनियादी मुद्दों के साथ खुद को जोड़ता है उनको एक मंच पर आना चाहिए। हम लोगों का एक ये प्रयास लगातार रहा है, उसमें सफलताएं भी मिली है, चाहे वो आप CNTSPT के मुद्दे पर, फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुद्दे पर जो आंदोलन चला उसमें सभी को एक साथ आए। भाजपा भी इस बात को समझेगी और बेहतर होगा कि पश्चाताप के साथ वो जनता से माफी मांगे कि उनको जो राज्य के जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है, जिसका जवाब महाराष्ट्र और हरियाणा ने दिया। बीजेपी का बरबोलापन है, बीजेपी का बरगलाना है, बीजेपी लोगों के सवालों से बचना चाहती है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, महिलाओं पर लगातार अत्याचार क्यों बढ़ रही है, यहाँ के जमीन को लूटने के लिए लगातार कॉरपोरेट के पक्ष में जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब के खिलाफ लोगों का एक आक्रोश है और उसी का आक्रोश का नतीजा आपको ये दो राज्यों का ये जो फलाफल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के निरंकुशता को एक अंकुश लगाने का काम किया गया। वहीं रांची स्थित हरमू मैदान में आज पारा शिक्षकों के धरना प्रदर्शन का अंतिम दिन था। इनकी मांग स्थायीकरण एवं वेतन मान के लिए नियमावली बनाने को लेकर थी। ये सभी हरमू मैदान में जमा हुए, जहां से वे रैली की शक्ल में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पारा शिक्षक राज्य कमेटी सदस्य प्रद्युमन कुमार सिंह ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तब तक वे लोग किसी न किसी रूप में धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। पारा शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना वादा निभाना चाहिए, स्थायीकरण हो, पारा शिक्षकों को वेतन मान मिले, इस निमित्त 17 जनवरी को सरकार ने समझौता किया 3 माह में नियमावली बनाकर देंगे, लेकिन 9 माह बीतने के बाद भी नियमावली नहीं बनी। भाजपा कार्यालय के समक्ष 21 तारीख से हम लोग का अनशन सब प्रदर्शन चल रहा है। सरकार आचार संहिता के पहले नियमावली लागू करे, कैबिनेट से पारित कराए, अन्यथा बाध्य होकर इस बार पारा शिक्षक संघ भाजपा के विरुद्ध चुनावी समर में उतरेगा। वहीं लोहरदगा हिंडाल्को कंपनी के दमनकारी नीतियों के खिलाफ बुधवार को एक रैली निकाली गई। रैली और प्रदर्शन के दौरान हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की एवं 8-10 दिनों के अंदर ठप पड़े कामों को चालू कराने की मांग की। बता दें कि हिंडाल्को बॉक्साइट की ढुलाई कार्य पिछले 8-10 माह से ठप है। ढुलाई कार्य बंद होने के कारण जिले के हजारों मजदूर परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। हालांकि कंपनी के अधिकारियों ने जिले के नेताओं से 15 नवंबर तक परिचालन चालू करने का आश्वासन दिया है। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बहुत बड़ा जागृति करना उतारू हो चुका है और हम लोग इस मकसद से आए हैं कि यहाँ पर हर लोग इस कंपनी से परेशान है और हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी यहाँ पर हैं। जो मजदूरों के साथ में धोखाधड़ी करके एक ऐसे यूनियन से काटघाट कर लिया है जो कि इसका कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर मजदूर जो है त्राही त्राही कर रही है उनके पॉलिसी के कारण, तो हम लोग इसका विरोध जताने के लिए यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ के स्थानीय जनता या ट्रक ओनर हो चाहे जो भी हो उनके साथ भी बहुत अत्याचार किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।